पिछले कुछ महीनों के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में कटिहार पुलिस ने अपराध नियंत्रण की दिशा में कई बड़ी कामयाबी हासिल की है। जिले के कई कुख्यात अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। इस दौरान कई ऐसे मामले भी देखने को मिले जिसमें पुलिस ने चंद घंटों के अंदर मामले का उद्भेदन कर अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। इसमें कोई दोमत नहीं है कि पिछले कुछ अरसे के दौरान जिले का क्राइम ग्राफ काफी नीचे आया है। अब शहर में अपराध नियंत्रण और बेहतर ढंग से हो, इसको लेकर जिला पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है। जिला पुलिस अधीक्षक ने आज बताया कि हम लोग कोशिश करेंगे कि अब इस क्षेत्र को क्या करेंगे कि ऑफिसर की जिम्मेदारी हम बांटते रहेगा और वहाँ के एक एक कि आपके घर में कितने लोग हैं, वोटर आईडी वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं। अब मान लीजिए बोलेगा कि हमारे यहाँ 5 है और रखे हुए 10 बोले, और दूसरा अगर जरूरी नहीं है कि हम अभी दिल्ली पुलिस के तरफ बिहार के कब्जे में बीट पुलिस बीट सिस्टम पर अब इस मान लीजिए कि आप किसी का घर ठीक अब आप घर में किसी को रेंट आप दिए हुए हैं, वो रेंटर क्या किया कि चोरी का मोटरसाइकिल लाके आपके घर में लगा दिया। अब पुलिस को आगे होगा कि भाई तो पुलिस क्या बोलेगी कि आप रेंटर का वेरिफिकेशन कराए हैं तो मैंडेटरी है कराना, आपको फिर कोई डरने की जरूरत समझ में आ रहा है। ये लोगों को सबको पता पहले से इंगेजमेंट रहता है लोगों का, लेकिन शहर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि बीट पुलिसिंग का स्टार्ट। बीट पुलिसिंग का मतलब ये हुआ कि हर मोहल्ला जैसे 2000 मोहल्ला को एक किसी ऑफिसर और 2 कर्मी के हवाले कर देते हैं और वो पूरे उस मोहल्ले का पूरा मॉनिटरिंग कुछ रेकी कर रहा है ना, कहीं बाहर का सुतरे आकर के घूम रहा है तो वो क्या होगा कि वो ऑफिसर जो है वो आपके लोगों से वो हमेशा दिखे, वो हम लोग अपना एक्शन लेंगे। दूसरा मान लीजिए कि कहीं पर अंधेरा है, ले रहा है, कर रहा है, तो एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे कि हर वार्ड में जैसे वार्ड वाइज बांटना थोड़ा टफ है, इसलिए हम मोहल्ला वाइज जो मोहल्ला है उस मोहल्ला का, तो इसीलिए इसमें हमें इसीलिए आप लोगों को बुलाया था। कटिहार नगर निगम में अवस्थित पुलिस नाकों की संख्या अब लगभग 2 गुना किया जा रहा है। वर्तमान में कटिहार शहरी क्षेत्र में कुल 5 पुलिस नाके हैं जिसे बढ़ाकर अब 9 किया जा रहा है, यानी अब कटिहार नगर निगम क्षेत्र में कुल 9 पुलिस नाके होंगे। वर्तमान में जो 5 पुलिस नाके हैं उसमें नाका नंबर 1 कालीबाड़ी में, नाका नंबर 2 सहायक थाना अंतर्गत गौशाला क्षेत्र में, नाका नंबर 3 दौलतराम पटेल चौक के पास, नाका नंबर 4 देहरिया जूट मिल क्षेत्र में और नाका नंबर 5 दुर्गा स्थान क्षेत्र में अवस्थित है। लेकिन फैलते शहर और बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए शहर में नए 4 और नाके बनाए जा रहे हैं जिसमें नाका नंबर 6 बैगना में बनाया जाएगा, जबकि नाका नंबर 7 ड्राइवर टोला क्षेत्र में, नाका नंबर 8 बरमसिया ऑफिसर्स कॉलोनी में और नाका नंबर 9 इंद्रपुरी भेरिया रहिका क्षेत्र में बनाया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कटिहार जिले में 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप लोगों के साथ साझा करना था। सबसे पहला बिंदु है कि कोई भी हमारा जो चालान कटता है ट्रैफिक का वो अब कैश में नहीं कटेगा, वो ई चालान के माध्यम से ही हमारा कटेगा चालान। तो ये आप लोग के थ्रू जितने भी यहाँ की जनता है, आवाम है, सभी को हम सूचित करना चाहते हैं कि कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होगा, अतः आप कैश में किसी को कोई चालान देने की ज़रूरत नहीं है। ई चालान जो है हम लोग कम्प्लीटली उस पर स्विच ओवर हो चुके हैं और ई चालान ही जो है वो कटेगा। दूसरा इम्पोर्टेंट बिंदु है CCTNS जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे ज़िले में जितने भी थाने CCTV से जुड़े हुए हैं सभी थानों में FIR जो है वो रियल टाइम हो रहा है और जो स्टेशन डायरी है वो भी हमारा रियल टाइम है, लाइव है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है पुलिसिंग के संदर्भ में
एक बहुत ही बड़ा चेंज है कि जो भी रिकॉर्ड है वो हमारा अप टू डेट है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके लिए हम खासकर आप लोगों से इसमें आप लोग को इनवाइट किए थे, अभी तक आप लोगों को पता है कि शहर में टोटल 5 TOPs हैं जो नाका के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि शहर जो है वो बढ़ा है, उसका एरिया भी बड़ा है, जनसंख्या भी बड़ी है, तो इस 5 को हम लोग बढ़ा के तत्काल 9 पर ले जा रहे हैं और आगे भी जो है ज़रूरत के हिसाब से हम लोग इसको बढ़ाएंगे। इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग शहर में बीट पेट्रोलिंग, बीट पुलिसिंग जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी TOPs हैं वो TOPs के जो है प्रभारी पदाधिकारी रहेंगे पुवनी स्तर के, और उनके साथ पुलिस कर्मी भी रहेंगे। अपने जो TOP क्षेत्र हैं उनका, उस TOP के हर घर की हर एक्टिविटी की वो मॉनिटरिंग करेंगे। अगर किसी प्रकार की अगर कोई संदिग्ध कोई बात नज़र आती है, कोई सूचना अगर मिलती है तो संबंधित थाना से वो उनकी सूचना साझा कर और जो भी अपराध अगर होने वाला है तो उसको रोकने की बात है, और अगर कोई विधि व्यवस्था की समस्या है उसको भी रोकने की बात है। तो शहर में अर्बन पुलिसिंग में एक बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है, वो है हमारा बीट पुलिसिंग। इसमें आप सभी लोग जानते हैं नाका नंबर 1, जिसमें कि शहीद चौक से लेकर के ये हमारा बिनोदपुर, मंगल बाज़ार, कालीबाड़ी, ये जो पूरा एरिया आता है वो नाका नंबर 1 आता है, वो TOP नंबर 1 हुआ। 2 जो है वो सभी आप लोग जानते हैं, वो सहायक थाना में पड़ता है, और इसमें जो है गौशाला है, रानी घाट है, हवाई अड्डा है, शरीफगंज है, ये सारे क्षेत्र हैं। 3 ये हमारा पटेल चौक के पास, दौलतराम चौक के पास है। 4 ये डहरिया में है। 5 ये हमारा दुर्गास्थान चौक के पास है। 6 बैगना में, इसको हम लोग बनाने जा रहे हैं। 7 ये ड्राइवर टोला में हम लोग बनाने जा रहे हैं। 8 ये ऑफिसर कॉलोनी, बुद्धू चक, बरमसिया और हृदयगंज, सहायक थाना का बहुत मेजर VIP एरिया है, इसमें बनाने जा रहे हैं। और 9 इंद्रपुरी, शिवपुरी, एरिया रईका, BMP बिशप 7, ये जो अगल बगल के एरिया हैं उसमें बनाने जा रहे हैं। तो ये 24 आवर्स जो है ये जो प्रभारी हैं उनकी ड्यूटी रहेगी, और वो उस एरिया में गश्त करेंगे, लोगों से मिलेंगे और एक एक लोगों का वेरिफिकेशन भी करेंगे। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि जितने भी हमारे नागरिक गण हैं, जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं, आप जो हमारे TOP प्रभारी हैं उनका पूरा सहयोग करें, और किसी प्रकार की कोई भी सूचना अगर आपको मिलती है तो वो पुलिस के साथ शेयर करें। अभी जो एक बहुत अच्छी व्यवस्था जो सरकार के द्वारा लागू की गई है वो मेरे स्तर से 25,000 रुपये तक रिवॉर्ड घोषित करने की जो व्यवस्था है, वो अगर कोई केस, अगर कोई कांड होने वाला है उसको अगर कोई प्रिवेंट करता है, कोई एक्यूज जो फरार है उसको पकड़ने में मदद करता है, कोई विधि व्यवस्था होने वाली है उसको रोकने में मदद करता है, तो इसमें जो है 25,000 तक का रिवॉर्ड देने का अधिकार जो है सरकार ने मेरे स्तर तक किया है, और रेंज के स्तर तक 50,000 रुपये तक का किया है। तो इसमें मैंने कई लोगों को रिवॉर्ड दिया भी है कैश। इसमें आप चाहेंगे तो आपकी आइडेंटिटी हम लोग गुप्त रखेंगे, बताएंगे भी नहीं। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र को हम लोग अपराध मुक्त क्षेत्र जो है हम लोग बनाएं, और इसमें आप सभी लोग हमारा जल्द ही इन नाकों की स्थापना कर ली जाएगी। साथ ही उन्होंने आम लोगों से यह आह्वान भी किया है कि अपराध को लेकर लोग पुलिस के साथ सहयोग करें ताकि अपराधियों पर नकेल कसी जा सके। इस दौरान उन्होंने आम लोगों को यह आश्वासन भी दिया है कि किसी भी अपराधी के संबंध में या आपराधिक घटना को लेकर सूचना देने वाले का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। एक अच्छा रेस्टोरेंट कैसा होना चाहिए? जहाँ खाना स्वादिष्ट हो, प्राइस कम हो और बेहतर साफ सफाई भी हो, क्यों है ना? अगर आपको चाहिए ऐसा ही रेस्टोरेंट तो नमस्ते कटिहार आपका स्वागत करता है। चाहे तंदूरी खाने का सवाल हो या मॉकटेल का, हर चीज में है मास्टरी हासिल।
ऐसा रेस्टोरेंट ना कहीं देखा और ना ही कहीं सुना। नमस्ते कटिहार, सबका चहीता, बैंक्वेट हॉल और पार्किंग की सुविधा के साथ।